जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। मैं गजानंद वर्मा एक बार फिर आपके लिए हाजिर हो गया हूँ। पार्ट टू 1857 की क्रांति। ठीक है, आज अपने पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का जो दूसरा भाग है उससे आगे पढ़ेंगे। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे आज अपने। ठीक है दोस्तों, क्लास को एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी शेयर कर दें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव जुड़ रहे हैं। जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर शिलालेख बीच में रह गए थे, शुरुआत में एक मिनट का आपसे समय लेता हूँ मैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो शिलालेख बीच में रह गए शिलालेख भी पूर्ण करवा दिए जाएंगे। टेंशन मत लो, प्रत्येक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, दो शिलालेख के पार्ट करवा दिया, आज 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें और इसके नोट्स बना ले। ठीक है, मैं और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं जो करवाया है उससे बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान पुलिस और पटवार और रेट के अंदर जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो दोस्तों, हमने कल कहां तक पहुंच गए थे, कल हम पहुंच गए थे भारत के अंदर। जैसे अपने बात की थी कल कहां तक की बात की थी, देखो ये हो गया अपना भारत। ठीक है, यानी भारत के अंदर कहाँ से क्रांति शुरू हुई थी आपको पता ही है। ठीक है, जैसे ही बना है वैसा मान लो, ये भारत तो नहीं है फिलहाल, भारत को कोरोना हुआ है आपको पता ही है ना। यानी मेरठ से जो यानी भारत के अंदर जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। कल मैंने आपको बताया था मेरठ के सैनिक कहाँ आ गए थे, मेरठ के सैनिक दिल्ली आ गए थे। कुछ एक फैक्ट है वो आप लिख लो। देखो पहले तो ये याद रखना कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, समय गवर्नर जनरल। देखो दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, पता है ना आप सभी को, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद अगर आपको पूछ ले 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ये कुछ कॉन्सेप्ट है वो याद रखना। 1857 की क्रांति के समय कहाँ का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ये भी ध्यान रखना। कौन था, पॉर्मस्टन। कौन था भाई, पॉर्मस्टन था, पॉर्मस्टन। ठीक है, अब आपको ये बताना है दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे सभी साथी, जो प्रश्न पूछता हूँ उनका कमेंट करके उत्तर दिया करो। पॉर्मस्टन से पहले प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का, सभी साथी बताएंगे। पॉर्मस्टन से पहले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपको कि 1857 की क्रांति से पहले इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पहले मतलब पॉर्मस्टन से पहले। जैसे कैनिंग से पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, डलहौजी थे। कौन थे, डलहौजी। तो यानी डलहौजी जिन्होंने हड़प नीति कल मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद 1857 की क्रांति का भारत में नेतृत्व किसने किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व तो किया था देखो एक प्रकार से, यहाँ के सैनिक कहाँ आ गए थे, दिल्ली के अंदर आ गए थे। और दिल्ली के अंदर जो मुगल बादशाह था उस वक्त वो कौन था, बहादुर शाह जफर। कौन था भाई, बहादुर शाह जफर। जफर यानी सेकंड थे ये, बहादुर शाह जफर सेकंड है ध्यान रखना। फर्स्ट कौन से थे, फर्स्ट को आपको मैं बता देता हूँ, बहादुर शाह प्रथम वो थे जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो दो भाई थे, यानी दो भाइयों के बीच जो युद्ध हुआ था, जाजव का युद्ध आजम और मोजम के बीच हुआ था। तो उसके बाद मोजम ने अपना नाम क्या रख लिया था, बहादुर शाह रख लिया था। ठीक है, वो बहादुर शाह प्रथम थे, बहादुर शाह ये कौन से सेकंड है, जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु रंगून के अंदर हुई थी, वहीं पर इनका क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। यानी जो कब्र है वो इनकी कहाँ पर बनी हुई है, कब्र है वो इनकी बनी हुई है रंगून के अंदर, रंगून म्यांमार के अंदर बनी हुई है। इन्हें बाद में अंग्रेजों ने इसे वहाँ पर भेज दिया था। ठीक है, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी और काफ़ी शायरियाँ लिखते थे, शायरियों के शौकीन थे। यानी कि ऐ जफर कितना बदनसीब है, दो गज जमीन ना मिली कफन के लिए, इस प्रकार से इनकी शायरियाँ हैं, अंतिम शायरी यही थी। ठीक है, ऐ जफर कितना बदनसीब है, दफन के लिए दो गज जमीन ना मिली कफन के लिए, तो वो इसी प्रकार से इनकी शायरियाँ और उर्दू भाषा में लिखते थे। तो वो उर्दू भाषा इनकी थोड़ी अलग, आपने भाषा कौन सी, आपने राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा है। ठीक है, तो आपली भाषा के अंदर आप बता दिए वहाँ। तो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर थे, लेकिन नेतृत्व किया था इन्होंने, तो लेकिन एक प्रकार से माना जाता है कि इन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन ये उस वक्त लगभग 80 साल के लगभग थे, 70-80 साल के थे। तो इनका एक सैनिक था जिसका नाम था बख्त सिंह, इनका एक सैनिक था जिसका नाम क्या था, बख्त सिंह। बख्त सिंह ने क्या किया था 1857 की क्रांति का, क्या किया था, एक प्रकार से इनका नेतृत्व किया था। और अगर अपने बात करें राजस्थान के अंदर, जब अपने पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जो क्रांति की शुरुआत होगी, ठीक है, यानी राजस्थान के अंदर कहाँ से होगी, नसीराबाद से होगी। कहाँ से होगी भाई, नसीराबाद से। और नसीराबाद से जब क्रांति की शुरुआत होगी तो नसीराबाद के अंदर जो क्रांति की शुरुआत करने वाला था वो कौन था, बख्तावर सिंह। कौन था, बख्तावर सिंह। देखो दोस्तों, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर फास्ट बहुत पढ़ाते हो, तो मेरा उद्देश्य, मैं आपको बार बार कहता हूँ, कम समय में ज़्यादा मैटर देना। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम के ऊपर नहीं जुड़े हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाएं। ठीक है, टेलीग्राम पर भी क्विज चलती है अपनी, वहाँ पर लगभग नोट्स डाले जाते हैं, जो भी टॉपिक करवाया जाता है उसके नोट्स डाले हुए हैं। ठीक है, जीके विद गजानंद सर नाम से टेलीग्राम, आप सर्च कर ज्वाइन उसे कर लेना। तो बख्तावर सिंह
ठीक है, जन नसीराबाद में किसने किया था, बख्तावर सिंह ने, पिछाड़ से जो पूछने के बाद हुआ था ना विद्रोह, वो पढ़ेंगे अपने अभी, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या था, देखो 1857 की क्रांति का प्रतीक कल बताया था शायद, कल वाली क्लास के अंदर बताया हुआ है, यानी जो क्लास जिन्होंने कल वाले नहीं देखे वो देख लेना। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, प्रतीक था वो था प्रतीक, प्रतीक था क्या था भाई, कल बताया था ना, रोटी, रोटी चपाती जिसे कहते हैं, या फिर कमल का फूल, कमल का फूल, वो क्या था 1857 की क्रांति का प्रतीक था। ठीक है, इसे बांट रहे थे लोग बार बार, सभी को फूल दे रहे थे। ठीक है, तो मेरठ में हुई थी भारत के अंदर, कहाँ से तात्कालीन कारण क्या था वो कल हमने पढ़ा था, तात्कालीन कारण क्या था, सैनिक कारण था, कहाँ पर हुआ था, बंगाल के अंदर हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, वो हुआ था तांत्या टोपे के नेतृत्व में हुआ था, तांत्या टोपे मूलतः कहाँ के थे, तांत्या टोपे यूपी के थे, बलियागांव यूपी के थे, कहाँ के थे, बलियागांव यूपी के थे, इनको इन्होंने कब मारा था, उनको 29 मार्च को मारा था, इन्होंने 29 मार्च को ये घटना घटित हुई थी। तात्कालीन कारण इनका का कारण क्या था कि इन्होंने जो कारतूस थे ना चर्बी वाले, उनको चलाने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, ये ब्राह्मण थे। ठीक है, इसलिए ये घटना घटित हुई थी, कब हुई थी, 29 मार्च को ये घटना घटित हुई थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, वहां पर दो अंग्रेज अधिकारी थे ह्यूमन और लेफ्टिनेंट बाघ, उनको गोली मारकर इन्होंने क्या कर दी, उनकी हत्या कर दी, और इसके जुर्म में तांत्या टोपे को कब तांत्या टोपे बोल दिया गया, मंगल पांडे दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे 29 मार्च को वहां पर उन्होंने गोली मार दी थी। उसके बाद इनको 8 अप्रैल को क्या दे दी थी, फांसी दे दी थी, 8 अप्रैल को फांसी सुना दी थी। उसके बाद ये विद्रोह होने शुरू हो गए थे। क्रांति की तारीख क्या रखी गई थी, 31 मई फिक्स रखी थी, क्रांति की तारीख क्या रखी थी ये भी नोट कर लेना, क्रांति की जो तारीख रखी थी वो रखी थी 31 मई। लेकिन क्रांति कब शुरुआत हो गई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को, कब हुई थी 10 मई को क्रांति की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। यही कारण था क्रांति की असफलता होने का, एक कहीं ना कहीं ये भी कारण था। और एक कारण क्या था कि बहादुर शाह जफर यानी कि वर्ध व्यक्ति ने क्या किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। मैं आपको सभी बता दूंगा जितने भी कारण असफलता के रहे हैं, जैसे अपने शुरुआत में पढ़े थे ना धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण जो पढ़े थे हम, सैनिक कारण थे 1857 की क्रांति के, तो उसी के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, अब देखो, अब ये तो हो गया भारत के अंदर हो गया विद्रोह, अब राजस्थान के अंदर हमें पढ़ना है। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले अपने सैनिक छावनियां पढ़नी पड़ेगी, और जिन जिन स्थानों पर जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनको पहले पढ़ना पड़ेगा, उनके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो तो ले लो जल्दी से। ठीक है, फिर उसके बाद अपने चले आगे। ठीक है, और 1857 की क्रांति में कल मैंने बताया था ना जो मुख्य सेनापति था वो भी नोट कर लेना आप, 1857 की क्रांति का जो मुख्य सेनापति जिसने लगभग जगह विद्रोह दबाए थे, 1857 की क्रांति का मुख्य सेनापति अंग्रेजों की ओर से था, उसका नाम था कैंपवेल। क्या नाम था, कैंपवेल। ठीक है, ध्यान रखना इसे, कैंपवेल, इसने लगभग जगह विद्रोह दबाए थे। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद अपने चलते हैं आगे। ये 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ एक फैक्ट थे जो पहले आपको याद रखने जरूरी है। ठीक है, आपको पूछ भी सकता है, और जो पर्सन ये पूछा है 1857 की क्रांति से पहले इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, यानी पोरमस्टन से पहले इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, देखो अब देखो राजस्थान के अंदर जो सैनिक छावनियों की अगर मैं बात करूँ कि राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कितनी थी, देखो राजस्थान में सैनिक छावनी कि सर ये छावनी क्या होती है, पता है क्या किसी को, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, किसी विद्यार्थी ने नहीं बताया था कि जो ब्यावर और खेरवाड़ा जो सैनिक छावनियां थी उन्होंने भाग क्यों नहीं लिया था, जो 1857 की क्रांति के अंदर विद्रोह के अंदर भाग क्यों नहीं लिया था, किसी विद्यार्थी ने नहीं बताया था। तो दोस्तों तैयारी करो, क्योंकि जब आप मान लो अगर आप कांस्टेबल की कर रहे हो या पुलिस की कर रहे हो, पटवार की कर रहे हो या रेट की कर रहे हो, कल आपका लक्ष्य भी तो बड़ा है, आरएएस की देख जा रहे हो, तो आरएएस के जब आप मेंस पेपर दोगे तो उसके अंदर कारण पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछे जाएंगे, तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए था, किसी विद्यार्थी ने कमेंट नहीं किया था, जो विद्यार्थी कमेंट करता है मैं सभी की कमेंट देखता हूँ। ठीक है, तो सभी बताया करो जितने भी पर्सन पूछता हूँ उनको, ताकि आपकी भी तैयारी अच्छी रहे, साथ साथ में आप भी बुक देख लो, बुकों के अंदर पर्सन ढूंढोगे तो दो तीन बात एक्स्ट्रा याद होगी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें। अब देखो ये कि छावनी किसे कहते हैं और टुकड़ी किसे कहते हैं, ये आपने सुना है ना। देखो टुकड़ी किसे कहते हैं, टुकड़ी की परिभाषा होती है जिसमें क्या रहती है, सैनिक रहते हैं उसे क्या कहते हैं, सैनिक रहते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, टुकड़ी कहते हैं। ठीक है, और जिसमें टुकड़ी रहती है उसे छावनी कहते हैं। छावनी ध्यान रखना, छावनी और टुकड़ी में फर्क है,
ठीक है, क्या फर्क है कि टुकड़ी तो वो होती है जिसके अंदर क्या रहे, सैनिक रहे, ठीक है, वो तो टुकड़ी होगी, और जिसमें टुकड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं, छावनी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अब देखो राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियाँ थी, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, राजस्थान में कितनी थी, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। क्लास को एक बार सभी साथी शेयर कर दो, पढ़ाई किसमें ज़्यादा से ज़्यादा लग आया करो ताकि हौसला बना रहे, बाद में व्यूज आते रहते हैं, बाद का कोई मतलब नहीं होता है। जब आप पढ़ाई किस में आपको क्लास का आपको बताया दिया जाता है कि जो विद्यार्थी कह रहे हैं सर बताया नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर बताया जाता है पहले, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना। तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी, कितनी है 6। देखो तो 6 कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ हैं, ये बनाया हमने राजस्थान का मैप, ये हो गया राजस्थान, ठीक है। अब देखो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी है, अभी बता देता हूँ आपको राजस्थान के अंदर जो 6 सैनिक छावनियाँ हैं वो कौन कौन सी है। देखो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो चीज़ है कि वो आपको ट्रिक का पता ही है जो मैंने करवाई थी पहले, जो उसके अंदर पूर्ण व्याख्या सहित नहीं करवाई है, व्याख्या सहित करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक तो कौन सी होगी, जैसे आपको पता है ना एनी ना ब्या देखे, और वैसे तो आपको पता है एनी ना, एनी मानी कोई होता है, ट्रिक हो गई ये इसकी, ठीक है ध्यान रखना। एनी एनी ए एन वाई, एनी मानी कोई, एनी ना ब्याह देखे कोई, आप वो ब्याह ना देखियो, मीठो लड्डू है, खाओगा तो पछताओगा, नहीं खाओगा तो पछताओगा, ठीक है। पहले कामयाब होना है आपको पता ही है ना, ठीक है, जब तक कामयाब नहीं होगी तब तक शादी नहीं होगी, हैं सभी को पता है। अब देखो एनी ना ब्याह देखे, एन ए से याद रखो एरिनपुरा, कौन सी है एरिनपुरा, एरिनपुरा कहाँ थी, पाली के अंदर, पहले इसका मुख्य है, उसके अंदर जो सैनिक टुकड़ी रहती थी वो कौन सी रहती थी, ये भी आपको पता होना जरूरी है। एरिनपुरा हो गई, एरिनपुरा के बाद एन्नी, नी से कौन सी हो गई, निम्मच, याद रखना कौन सी हो गई, नी से निम्मच। राजस्थान से एकमात्र बाहर थी ना जो सैनिक छावनी वो कौन सी, यानी राजस्थान से वर्तमान में ऐसी कौन जो 6 सैनिक छावनियाँ थी उनमें से कौन सी बाहर है, तो वो निम्मच है। निम्मच कहाँ थी, एमपी के अंदर थी, ठीक है। एन्नी ना से याद रखना नसीराबाद, नसीराबाद जहाँ पर सबसे पहले विद्रोह हुआ था, और नसीराबाद में सबसे संपन्न ये हो गया नसीराबाद अजमेर के अंदर, ध्यान रखना। सबसे जो शक्तिशाली जो राजस्थान के अंदर जो सैनिक टुकड़ी थी, सैनिक छावनी थी, वो कौन सी थी, नसीराबाद थी। ब्यास ही हो गया ब्यावर, ब्यावर भी कहाँ है, अजमेर के अंदर है। ब्यावर कहाँ है, अजमेर के अंदर। देश ही हो गया देवली, देवली कहाँ है, टोंक में, नवाबों की नगरी टोंक के अंदर है, ठीक है। उसके बाद खेसी हो गया खेरवाड़ा, कौन सी होगी, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ है, खेरवाड़ा थी उदयपुर के अंदर, कहाँ थी, उदयपुर में। ये 6 सैनिक छावनियाँ हैं दोस्तों, इन 6 सैनिक छावनियों को अब मैं क्रम से लिख देता हूँ, उसके बाद अपने याद करेंगे सारी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन 6 के 6 जो सैनिक छावनियाँ इनको मैं क्रम से लिखता हूँ अब, उसके बाद आप देखना, ठीक है। सैनिक कौन छावनी कौन सी होती है, टुकड़ी कौन सी होती है, वो आप समझ गए होंगे। देखो दोस्तों जल्दी जल्दी अपने पढ़ लेते हैं, एग्जाम क्या पता कब भी हो जाए, मैं जल्दी जल्दी ये सारे पार्ट हैं वो करवा दूंगा आपको, जिस शांति बनाए रखो, अभिलेख जन के अधूरे हैं वो भी करवा देंगे, भरतपुर का जाट वंश भी अधूरा है वो भी करवा दूंगा, ठीक है। 1857 की क्रांति चल रही है ये भी पूरी करवा देंगे। देखो 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी है, किस प्रकार से इन्हें याद रखना है, और यहाँ से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो पढ़ने पड़ी है एरिनपुरा, एरिनपुरा, एरिनपुरा कहाँ थी, पाली के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो सेना थी, सेना ये भी ध्यान रखना, पहली सैनिक छावनी, इसके अंदर जो सेना थी यानी जो टुकड़ी थी सेना की वो कौन सी थी, जोधपुर लीजियन, कौन सी थी, जोधपुर लीजियन थी। सेना कैसी थी, जोधपुर लीजियन, मैंने कल आप कल वाली क्लास के अंदर बताया था ना एरिनपुरा, तो जोधपुर लीजियन की स्थापना, एरिनपुरा छावनी का गठन किया गया था, जोधपुर लीजियन की स्थापना, जल्दी से बताओ कब की गई थी जोधपुर लीजियन की स्थापना, बताओ जल्दी से, एरिनपुरा। उसके बाद निम्मच, कौन सी है, निम्मच, निम्मच कहाँ थी, एमपी के अंदर थी, कौन कहाँ पर थी, एमपी के अंदर। यहाँ पर जो सैनिक थे वो कहाँ कैसे थे, कोटा कनीजमेंट के थे, कोटा कनीजमेंट या कोटा कनीजमेंट, ठीक है, कोटा लीजियन बोल दो चाहिए इसे, ठीक है, ठीक है। बताते हैं कि यहाँ पर भारत बी ग्रेड के सैनिक थे, अलग अलग मिलता है आपको, ऐसे याद रखना, कोटा कनीजमेंट के सैनिक थे एमपी के अंदर, ठीक है। राजस्थान से बाहर सैनिक छावनी, राजस्थान से बाहर सैनिक छावनी वो कौन सी थी, सैनिक छावनी वो कौन सी है भाई, निम्मच है, ठीक है। निम्मच के ऊपर है ना, निम्मच के ऊपर जो निगरानी रखता था इसकी, वो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट रखता था, मेवाड़ का पीए सावर्स, मेवाड़ का पीए कौन था, मेजर सावर्स, वो इसकी क्या रखता था, वो इसकी निगरानी रखता था, ध्यान रखना, ठीक है, वो इसकी क्या रखता था, निगरानी रखता था। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो इसकी क्या रखता था, निगरानी रखता था दोस्तों, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। निम्मच एनी ना, ना से एनी ना ब्या देखी, ब्यावर, ब्यावर, ब्यावर कहाँ है, अजमेर के अंदर है, कहाँ है भाई, अजमेर में, अजमेर के अंदर है, ध्यान रखना। ब्यावर कहाँ थी, अजमेर के अंदर थी। अब देखो ब्यावर अजमेर के अंदर है, तो आपको पता है ये ब्यावर और खेरवाड़ा जो दो सैनिक छावनियाँ थी उन्होंने भाग नहीं लिया था। ब्यावर के अंदर मेर रेजिमेंट थी, कौन सी थी, मेर रेजिमेंट, मेर
रेजिमेंट थी, ठीक है, रेजिमेंट। अब देखो क्यों नहीं लिया था वो भी पढ़ेंगे आज अपने, ब्यावर के बाद। अब देखो एनी ना ब्या, देख नसीराबाद रह गई बीच के अंदर, नसीराबाद, नसीराबाद छावनी थी, नसीराबाद छावनी कहाँ थी, अजमेर के अंदर थी। यहाँ पर जो सैनिक थे वो कौन से थे, नसीराबाद छावनी के अंदर जो सैनिक थे वो थे 15वीं एनआई व 30वीं एनआई के सैनिक थे। एनआई मतलब नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव का अर्थ होता है जो पैदल चलने वाली सेना, और इन्फेंट्री का अर्थ होता है जो युद्ध के अंदर क्या हो, आगे हो, ये मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। नसीराबाद छावनी अजमेर के अंदर, यहाँ पर जो सैनिक थे वो सैनिक कैसे थे, 15वीं एनआई व 30वीं एनआई। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति यहीं से शुरू हुई थी, सबसे पहले क्रांति। बताओ जल्दी से कब शुरुआत की गई थी राजस्थान में, सबसे पहले क्रांति की शुरुआत तारीख बताओ, उसके बाद नसीराबाद का विद्रोह पढ़ेंगे आज पहले, ठीक है। उसके अलावा अगर अपने बात करें, एक तो हो गई सबसे पहले क्रांति की शुरुआत होगी, उसके अलावा और अगर अपने बात करें तो राजस्थान में जो संपन्न थी, संपन्न यानी शक्तिशाली जो सैनिक टुकड़ी थी वो कौन सी थी, सैनिक छावनी, वो कौन सी थी, वो भी नसीराबाद थी, ध्यान रखना, ठीक है। एनी ना ब्या देखे, अब देखो देश याद रखो, देवली कौन सी है, पांचवीं है, देख लो देवली, देवली कहाँ है, देवली थी टोंक के अंदर, कहाँ है भी, टोंक, नवाबों की नगरी, एकीकरण के समय ये वही रियासत है जो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी जोधपुर के साथ, ठीक है। देवली के अंदर कौन सी जो सेना थी, जो सैनिक टुकड़ी थी वो कौन सी थी, छावनी थी, वो थी कोटा कनीजमेंट या फिर कोटा लीजियन जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक बंच गई कौन सी, खेरवाड़ा, ठीक है, छठी बंच गई, छठी का नाम है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ है भी, खेरवाड़ा है उदयपुर के अंदर, कहाँ है, उदयपुर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर उदयपुर में सर्वाधिक जो जनजाति रहती है वो कौन सी रहती है, भील रहती है, कौन सी रहती है भी, भील रहती है, भील, तो यहाँ पर थी भील कनीजमेंट, ठीक है, भील रेजिमेंट बोल दो चाहे कनीजमेंट एक ही बात है, ठीक है। मेवाड़ भील कोर जल्दी से बताओ, मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई तो महाराणा सरदार सिंह के समय थी, लेकिन जो मेवाड़ भील कोर वर्तमान में राजस्थान पुलिस का हिस्सा है, मेवाड़ भील कोर, ठीक है, हुई कब थी, सन बताना है, महाराणा, मैंने आपको बता दिया महाराणा सरदार सिंह के समय हुई थी, लेकिन हुई कब थी ये आपको सन बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो सैनिक छावनी थी वो भील कनीजमेंट थी। अब देखो दोस्तों, आपको पता है कि सिर्फ दो स्थानों पर और बाकी जगह, देखो एरनपुरा में विद्रोह हुआ था, नीमच में हुआ था, ब्यावर में नहीं हुआ था, ठीक है, और कहाँ नहीं हुआ था, और खेरवाड़ा के अंदर नहीं हुआ था। इन दो स्थानों पर विद्रोह न होने का कारण क्या था, एक तो यहाँ पर खेरवाड़ा और यहाँ पर एक ब्यावर, इन दो स्थानों पर विद्रोह क्यों नहीं हुआ, कारण क्या था, देखो अब मैं बताता हूँ यहाँ पर विद्रोह क्यों नहीं हुआ, ठीक है, यानी ये इफेक्ट है जो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। ब्यावर और खेरवाड़ा आप सब हमेशा पढ़ती हो कि ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर की सर विद्रोह नहीं हुआ, आप सभी जगह पढ़ती हो राजस्थान की दो जो 1857 की क्रांति में दो सैनिक छावनियां थी जिन्होंने भाग भी नहीं लिया था। देखो तो ब्यावर व खेरवाड़ा, ब्यावर अजमेर के अंदर व खेरवाड़ा, इन्होंने भाग नहीं लिया, क्यों नहीं लिया था, कारण क्या था, देखो ब्यावर वाली जो सैनिक छावनी थी उसके अंदर कौन सी रहती थी, मेर रहते थे, मेर, ठीक है, और खेरवाड़ा के अंदर कौन रहते थे, खेरवाड़ा में भील रहते थे, ये दोनों क्या खाते थे, ये मांस खाते थे, ठीक है, ये दोनों क्या खाते थे, मांस खाते थे, मांसाहारी, ठीक है। और क्रांति का जो तात्कालीन कारण था वो क्या था, चर्बी वाले कारतूस, तो इनको चर्बी वाले कारतूस से कोई आपत्ति नहीं थी, यानी जो चर्बी वाले कारतूस से इनको कोई आपत्ति नहीं थी कि चर्बी वाले कारतूसों से इन्हें आपत्ति हो, ब्यावर व खेरवाड़ा ने इसलिए भाग नहीं लिया था, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर मेर रहते थे, यहाँ पर भील रहते थे, दोनों क्या खाते थे, दोनों मांसाहारी थे, तो यहाँ पर जो चर्बी वाले जो कारतूस थे इनसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि ये मांस तो खाते ही थे, तो इन्हें चर्बी वाले कारतूसों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए हम पढ़ते हैं कि ब्यावर व खेरवाड़ा सैनिक छावनी ने क्या नहीं लिया था, 1857 की क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था, ठीक है। अब देखो उसके बाद चलते हैं अपने आगे, अब जो पीए पढ़ने हैं हमें, पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट, जिस पद की स्थापना राजपूताना रेजिडेंसी के तहत 1832 के अंदर हुई थी, उस वो पीए पढ़ने, एक मिनट तो मैं समय देख लेता हूँ। अब देखो पीए का अर्थ क्या हुआ, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, राजस्थान के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट है उन्हें पढ़ने हैं हमें, ठीक है। अब देखो राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल एजेंटों की अगर मुख्य रूप से बात करें तो कहाँ कहाँ पर थे, देखो मारवाड़ के अंदर कौन था, मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम क्या था, मेक मोशन, क्या नाम था भाई, मेक
मोशन, जिसका सिर काटकर कहाँ पर टांग दिया था, आगुआ के किले के ऊपर टांग दिया था। ठीक है, उससे संबंधित एक कहावत भी प्रसिद्ध हुई थी, ढोलबाजे चंगबाजे बल्लेबाजो बांकियो, एजेंट ने मार के दरवाजे पर टांगे। ठीक है, सुनी होगी आपने। ठीक है, तो मारवाड़, मारवाड़ का जो पीए था वो कौन था, मेक मोशन था। जयपुर का कौन था सर, जयपुर का था इड्डन। कौन था, इड्डन, जिसने बाद में जब तांत्या टोपे ने टोंक के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, इड्डन अपनी सेना लेकर आया था और तांत्या टोपे को भगाया था, कहाँ से, टोंक से। ठीक है, पहले मुख्य मुख्य बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे सारे बता दूंगा। मेवाड़, मेवाड़ का कौन था, मेवाड़ के जो पोलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था सावर्स। क्या नाम था, मेजर सावर्स, सावर्स। ठीक है, मेजर सावर्स। उसके बाद रह गया कोटा, यानी मुख्य रूप से तो ये चार हैं। कोटा, कोटा का कौन था, कोटा का था, कोट के मैंने बताया था ना आपको क्या लगाना है, बर्टन, बर्टन लगाना है, बर्टन था। उसके अलावा सिरोही का कौन था, सिरोही, सिरोही राजस्थान का सबसे जो ऊंचे स्थान है, जो ऊंचे पर्वत है, चाहे पठार मान लो, चाहे झील मान लो, जो ऊंची चीज़ है वो राजस्थान की कहाँ पर है, लगभग सिरोही के अंदर है। ठीक है, सिरोही का कौन था, सिरोही का था जेडी होल। कौन था भाई, जेडी, जहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या सभी को, जेडी होल था, जेडी होल, यानी सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट उस वक्त बनाया गया था उसका नाम जेडी होल था, जिसका पूरा नाम जेम्स डिक्स होल था। क्या नाम था, जेम्स डिक्स होल, जेम्स डिक्स होल, ये इनका क्या हो गया, पूरा नाम हो गया। ठीक है, यानी ये सिरोही के हो गए, यानी काफ़ी पूछे जाते हैं कोटा का, मारवाड़ का, मेवाड़ का, अजमेर का अगर पूछ ले, अजमेर का, अजमेर का कौन था, कर्नल डिक्सन। कौन था, कर्नल डिक्सन, ध्यान रखना अजमेर का भी आपसे वो पूछ सकता है। अजमेर का कौन था, कर्नल डिक्सन था। भरतपुर का कौन था, भरतपुर का मॉरिशस था। कौन था, भरतपुर का मॉरिशस, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं भरतपुर। ठीक है, जाट वो जहाँ पर था भरतपुर के अंदर, भरतपुर का था मॉरिशस, मॉरिशन, मॉरिशन। ठीक है, ध्यान रखना ये भरतपुर का था। अब बच गया कौन सा, बांसवाड़ा। बताओ जल्दी से कौन था बांसवाड़ा का, बताओ बताओ दो जल्दी जल्दी बताओ, बांसवाड़ा का जो पॉलिटिकल एजेंट जिसे बनाया गया था वो कौन था, कौन था, कर्नल रोक था, कर्नल रोक। अब देखो, जो अजमेर के अंदर जो कर्नल डिक्सन था, इसके साथ साथ ही कार्यभार यहाँ का फिर कौन संभाल रहा था, साथ साथ में एजीजी संभाल रहा था। एजीजी का अर्थ समझ गए ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो प्रथम एजीजी कौन था, मिस्टर लोकेट था। और 1857 की क्रांति से पहले जो एजीजी थे उनका नाम था हेनरी लॉरेंस। क्या नाम था, हेनरी लॉरेंस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आप बाद में नोट्स बनाओ तो उस वक्त देख लेना। ठीक है, हेनरी लॉरेंस। 1857 की क्रांति से पहले अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के एजीजी कौन थे, तो कौन थे, हेनरी लॉरेंस थे, जिसको अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था, अवध भेज दिया था। और ये पैट्रिक लॉरेंस के भाई थे, किसके भाई थे, पैट्रिक लॉरेंस के। और 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे राजस्थान के, वो कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। और पैट्रिक लॉरेंस के ये क्या थे, भाई थे। क्या थे भाई, भाई थे, भाई। ठीक है, इनको अवध भेज दिया, पैट्रिक लॉरेंस को यहाँ पर राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। ये थे एजीजी से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण, जो पीए और जो एजीजी था ना उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। और इसका पता ही होगा आपको, पैट्रिक लॉरेंस जो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी उसी के साथ यहाँ पर एजीजी भी बनाया गया था 1845 में, जिसे माउंट आबू सिरोही के अंदर भेज दिया गया था। कार्यालय 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेजों का कार्यालय था वो भी कहाँ था, माउंट आबू सिरोही के अंदर था। ये पॉलिटिकल एजेंट ध्यान रखना दोस्तों। मेक मोशन कहाँ का है, मारवाड़ का है। ठीक है, इसका भी सिर काटा जाता है। और कोटा का भी क्या काटा, बर्टन के अंदर भी, बर्टन का भी कोटा के अंदर क्या काटा जाता है, सिर काटा जाता है। अजमेर का कर्नल डिक्सन है, जयपुर का इडन है, कर्नल इडन, भरतपुर का मॉरिशन है। ठीक है, और सिरोही का जेडी होल है, जिसका पूरा नाम जेम्स डिक्स होल है। ठीक है, और मेवाड़ का कौन हो गया, मेजर सावर्स हो गया, बांसवाड़ा का कर्नल रोक हो गया। ये सारे ध्यान रखना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपने चलते हैं उसके आगे। ठीक है, लिख लो इन्हें जल्दी जल्दी, और साथ साथ में इनके क्या बना लेना, नोट्स भी बना लेना। ये सारे के सारे क्या थे, उस समय के पॉलिटिकल एजेंट है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं अपने। अब मैं कुछ एक संधि है वो भी बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था ना, जब एकीकरण पढ़ो चाहे आप क्रांति पढ़ो, उस समय संधियाँ जरूरी है आपको पढ़नी। ठीक है, क्योंकि इन संधियों से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का जो राजनीतिक एकीकरण माना जाता है, भारत का राजनीतिक एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण, वो कब से माना जाता है, भारत का जो राजनीतिक एकीकरण माना जाता है, वो माना जाता है 1773 से, 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये माना जाता है। ठीक है, एक्ट के तहत। अब देखो, लॉर्ड वेलेजली को क्या माना जाता है, सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। किसे, लॉर्ड वेलेजली को, लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली को क्या माना जाता है, सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। जैसे अपने बात करें, अपने ये हो गया छोटा सा, मैं भारत बना देता हूँ,
ये हो गया भारत, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली को क्या माना जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता। क्या माना जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता। संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली को माना जाता है सहायक संधि का जन्मदाता। लॉर्ड वेलेजली ने सबसे पहले सहायक संधि किसके साथ की थी? हैदराबाद के निजाम अली के साथ की थी। किसके साथ की थी? हैदराबाद का शासक था उस वक्त जिसका नाम था निजाम अली, निजाम अली, ठीक है। क्या नाम था? निजाम अली। कब की थी सर ये? 1798 में की थी। कब की थी? 1798 के अंदर की थी। अब देखो सहायक संधि के अंदर जो राजस्थान के अंदर की गई थी, जैसे ये है यहाँ पर हो गया अपना राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि कौन सी रियासत ने की थी? उसका नाम है भरतपुर। किस रियासत ने की थी? भरतपुर। और भरतपुर के उस वक्त जो राजा थे उन राजा का नाम आता है, क्या नाम आता है? रणजीत सिंह। क्या नाम आता है? रणजीत सिंह। अलग से मैं मैप बनाकर बता देता हूँ राजस्थान वाले। भारत के अंदर सबसे पहले जो ये संधि की थी, उस वो संधि की थी हैदराबाद रियासत के साथ। किसने की थी? निजाम अली ने। और लॉर्ड वेलेजली को क्या माना जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। अब देखो मैं यहाँ पर मैप बनाता हूँ राजस्थान का, और इन्हीं से संबंधित ये सारे नोट्स है वो बना लेना, ठीक है। यानी सबसे पहले जो इस रियासत ने संधि की थी उस रियासत का नाम आता है भरतपुर। कब की थी सर? भरतपुर ने की थी 29 सितंबर 1803 को की थी। कब की थी? 29 सितंबर 1803 को। कौन सी संधि की थी? सहायक संधि की थी। कौन सी संधि की थी? सहायक संधि की थी, ठीक है। यहाँ का जो राजा था उसका नाम था रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। ये सहायक संधियों की बात चल रही है, आश्रित पार्थक्य की संधि नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों इसे, ठीक है। उसके बाद विस्तृत और व्यापक संधि की थी। यहीं पर एक स्थान और है जिस स्थान का नाम है अलवर। क्या नाम है? अलवर। अलवर विस्तृत और व्यापक संधि, विस्तृत और व्यापक संधि, विस्तृत और व्यापक संधि, ठीक है, विस्तृत और व्यापक संधि। यहां पर लिख देता हूं, वहां पर दिखाई नहीं देता। विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? अलवर रियासत। ध्यान रखना दोस्तों, विस्तृत और व्यापक संधि किस रियासत ने की थी? अलवर रियासत ने की थी। कब की थी? 14 नवंबर 1803 को की थी। कब की थी? 14 नवंबर 1803 को। ये इसी रियासत ने जो आक्रामक संधि भी, रक्षात्मक व आक्रामक संधि करने वाली रियासत भी यही है, रक्षात्मक और आक्रामक संधि, आक्रामक संधि करने वाली रियासत भी कौन सी है? यही रियासत है, ठीक है। सुरक्षात्मक व आक्रामक संधि करने वाली रियासत भी कौन सी है? अलवर रियासत है, ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन शर्मा पावा के अनुसार, किसके अनुसार? शर्मा पावा के अनुसार ये कौन सी रियासत है? भरतपुर है। कौन सी है? भरतपुर। जिस रियासत ने रक्षात्मक व आक्रामक संधि की थी वो शर्मा पावा के अनुसार भरतपुर रियासत है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तो ये होगी कौन सी संधि है, विस्तृत और व्यापक संधि वाली है, सहायक संधि का जन्मदाता जिसे किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। उसके बाद एक संधि और रह गई है, वो संधि महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आश्रित पार्थक्य की संधि, ये कौन सी है? आश्रित पार्थक्य की संधि, पार्थक्य की संधि। ये आश्रित पार्थक्य की जो संधि है वो भी महत्वपूर्ण है। इसको जो जन्मदाता माना जाता है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये इसके क्या है? जन्मदाता है, यानी ये संधि लेकर आए थे, ठीक है। मैं फास्ट करवा देता हूँ क्योंकि टाइम का आपको सभी दोस्तों को पता ही है, अभाव है, उसके बाद अपनी बात करेंगे, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स को माना जाता है, ये संधि क्यों की थी ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जन्मदाता माना जाता है, किसे माना जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को माना जाता है। सबसे पहले ये संधि करने वाली रियासत, उस रियासत का नाम है करौली। यानी राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले संधि की थी? 15 नवंबर 1817 को की थी। कब की थी? 15 नवंबर 1817 को करौली ने की थी। और करौली का राजा उस वक्त था जिसका नाम था हरवक्ष पाल सिंह। क्या नाम था? हरवक्ष पाल सिंह। इसी संधि के तहत, यही संधि है, इसी संधि के तहत एक संधि और होती है, विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली, विस्तृत और व्यापक, विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली, व्यापक संधि करने वाली रियासत, करने वाली रियासत कौन सी है? वो कौन सी है? कोटा है। कौन सी है भाई? कोटा। कोटा का उस वक्त राजा था, उस राजा का नाम क्या था? उमेद सिंह। और संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? जालिम सिंह ने किए थे। कोटा का राजा कौन था? उमेद सिंह। और संधि पर हस्ताक्षर किए थे जालिम सिंह ने। किसने किए थे भाई? जालिम सिंह ने किए थे। किसने किए थे? जालिम सिंह ने संधि के ऊपर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ये भी वो जो संधियाँ रह गई है वो एक अंतिम रियासत कौन सी है वो मैं बता देता हूँ। अंतिम रियासत कौन सी है? ये जो संधि करने वाली, उस रियासत का नाम है सिरोही। सिरोही ने की थी अंतिम रूप से, और सिरोही के राजा शिव सिंह थे, ठीक है। ये संधियाँ हैं, ध्यान रखना दोस्तों, जो जितनी भी संधियाँ वो महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।